और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर कल रात को बहुत ही भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ग्राम पंचायत अधिकारी की मौत हो गई है। ये सड़क हादसा श्रावस्ती जनपद के भिनगा और सीसिया मार्ग पर गुलरा फटवा के पास में हुआ है, जहां पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी कार में सवार होकर के सिरसिया जा रहे थे। जानकारी मिली है कि उनकी पोस्टिंग भिनगा में थी और वो अपनी कार से सिरसिया जा रहे थे। रात को अचानक ही उनकी कार अनियंत्रित हो गई, शायद किसी को बचाने के चक्कर में, या हो सकता है कोई जंगली जानवर या कोई भी चीज़ सामने आ गई हो, उसको बचाने के चक्कर में उनकी कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी जिनका नाम उमा शंकर जायसवाल बताया जा रहा है, जो कि इकौना में, भिनगा में, सिरसिया में भी तैनात रह चुके हैं, ये जौनपुर ज़िले के रहने वाले बताए जाते हैं, रात को ही यह हादसा हुआ है तकरीबन 9-10 बजे के करीब में, जहां पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारी लोग उनको रात को ही अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया और इनके परिवार के लोगों को सूचना दी गई है। इस वक्त आपको लेकर चलते हैं मर्चरी हाउस पर भिनगा, जहाँ पर परिवार के सदस्य भी पहुँच चुके हैं और तमाम जो है अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है, ग्राम पंचायत अधिकारी की सड़क हादसे में श्रावस्ती जनपद में मौत हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो इस वक्त मर्चरी हाउस में मौजूद हैं, घर के लोग भी पहुंच चुके हैं। आइए संबंध में पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं। एक ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात एक कर्मचारी जो भिनगा से सिरसिया जा रहे थे, गुलरा के जंगल में पेड़ से टकरा करके उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए और उनके मौके पर ही मौत हो गई है। इस संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर।